Hi everyone, subscribe to my channel and click the bell icon button for new video updates. Assalam alaikum nazareen. जी हाँ, भारत ने ISI को दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी तस्लीम कर लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रा भी ISI की सलाहियतों को एतराफ करने पर मजबूर हो गई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के दिफा का जिम्मेदार हसास इदारा ISI हमेशा से दुनिया के बेहतरीन खुफिया इदारों में से एक तसव्वुर किया जाता है। खासकर भारत के हिसाब पर यह इदारा हमेशा से सवार रहा है। ISI ने हमेशा भारत की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशों को नाकाम बनाया है। यही वजह है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ISI को बदनाम करने की कोशिशें करता रहा है। तहम भारत की तमाम तर साजिशों और प्रोपेगंडा के बावजूद ISI हमेशा से भरपूर और कामयाब तरीके से पाकिस्तान का दिफा करती आई है। तहम दिहाइयों की सर्द जंग के बाद अब भारतीय खुफिया एजेंसी रा भी ISI की सलाहियतों का एतराफ करने पर मजबूर हो गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबरा भी ISI की बेहतरीन तंजीमी सलाहियतों का एतराफ किए बिना रह ना पाए। रा के साबिक सरबरा अमरजीत सिंगल ने अपनी हालिया किताब में लिखते हुए कहा कि हैरान कुन तौर पर ISI के किसी भी अफसर या जासूस ने कभी अपने इदारे के खिलाफ बगावत नहीं की और ना ही कोई अफसर या जासूस कभी पकड़ा गया है। वाजे रहे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह तिलत ने ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड दरानी के साथ मुश्तरका तौर पर एक किताब तहरीर की है। इसी किताब में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह तिलत ने ISI की तारीफ की है, जबकि इस किताब में दोनों ममालिक के हसास इदारों के सरबराहान ने दोनों ममालिक पुरअमन के क्याम की कोशिशें करने पर भी जोर दिया है। दूसरी जानिब रा के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दिलत मौजूदा पाक भारत कशीदा हालात में मोदी सरकार पर जोर दिया है कि वो जंगी जुनून को तर्क करके पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से बातचीत करे और तमाम मामलात को पुरअमन अंदाज में हल किया जाए। Hi everyone, subscribe to my channel and click the bell icon button for new video updates.